हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रामगढ़ टेक यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो फाइनली दोस्तों, मैं आपके लिए एक जॉब का अपडेट लेके आया हूँ। ये जॉब का अपडेट टाटा स्टील की तरफ से निकाला गया। टाटा स्टील का जॉब काफ़ी बढ़िया जॉब माना जाता है, बहुत सारे लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम आवेदन निकाली जाती है। तो काफ़ी दिनों के बाद टाटा स्टील में भर्ती का अपडेट आया, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे किस तरह से आवेदन करना है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पर निकल कर आ चुका है। टाटा स्टील की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट निकल कर आ चुका है, जिसमें देख सकते हैं टाटा कंपनी की तरफ से इनवाइट एप्लीकेशन फॉर जूनियर इंजीनियर ट्रेनी जेट का यहाँ पे जो है पोस्ट का अपडेट निकाला गया है। जैसे कि आप सभी लोग इसको जान लीजिए, सबसे पहले अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 10वीं पास होना चाहिए और दूसरा डिप्लोमा होल्डर आप होना चाहिए। आप डिप्लोमा का कोर्स कर रखे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल, अगर आप ये ट्रेड में अगर आप कर रखे कोर्स तो ही आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको समझिएगा, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप आराम से समझिए, उसके बाद ही आवेदन को कीजिए। देखिए सबसे पहले बोल रहा है, टाटा स्टील इज लुकिंग फॉर योर ब्राइट डिप्लोमा होल्डर इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल टू ज्वाइन जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। सेलेक्ट कैंडिडेट विल बी अंडरगो 12 मंथ ट्रेनिंग बिफोर फाइनल प्लेसमेंट ऑन। सेलेक्ट कैंडिडेट विल बी प्लेस इन चैलेंजिंग असाइनमेंट इन डिफरेंट एरिया ऑफ ऑपरेटिंग मेंटेनेंस। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 10वीं या फिर डिप्लोमा कर रखे इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल में कर रखे, तो आप लोगों के लिए इनविटेशन दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसमें 12 मंथ यानी कि 12 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद अगर आप सक्सेस होते हैं तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब आपको इसमें जॉब दिया जाएगा, और जॉब जो दिया जाएगा वो डिफरेंट एरिया में दिया जाएगा, मतलब टाटा कंपनी का जहाँ जहाँ कंपनी है इसका, वहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। अब चलिए क्वालिफिकेशन आपको बताते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन जो आपका होगा, मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है, उसके इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल होना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया यहाँ पे बोला गया, कहीं से भी आप करे होंगे तो कर सकते हैं। मार्क्स की बात कर ले तो 70% मार्क्स आपका जो है डिप्लोमा में आना चाहिए। जी हाँ, 70% आपका होता है तो ही आप भर सकते हैं। और मैट्रिक में जो आपका जो है, जो भी आपका मैट्रिक में सब्जेक्ट है, सारा मिला के 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर ले तो जनरल के लिए, अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं तो 1/1994, तो देखिए 1 जनवरी 1994 से दिसंबर 1, 2004 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। एसटीएससी अगर आप है तो एसटीएससी दिसंबर 1, 1993 से लेके 1 दिसंबर 2004 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैचलर लोगों को ही लिया जा रहा है, ज़्यादा अगर आपको उम्र हो चुका है तो आवेदन आप नहीं कर सकते। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया, हाइट 153 सेंटीमीटर है गर्ल के लिए, 142 सेंटीमीटर है, वेट 45 kg है गर्ल के लिए, 40 है। एक्सपेंशन चेस्ट जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा और हाइएस्ट होगा 6x6 बोथ आई ग्लास। पावर आपका जो आँख का पावर होगा वो 4.0 मैक्सिमम होना चाहिए, कलर विजन होना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो है ये स्टैंडर्ड मांगा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ट्रेनिंग होगा, अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो ट्रेनिंग 12 महीना का आपका होने वाला है ट्रेनिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट अंडर गोइंग ट्रेनिंग विल बी पेड स्टिपेंड ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड। तो आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको कुछ पैसा भी वहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस प्लेसमेंट, अब इसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको रिटेन टेस्ट देना होगा, रिटेन टेस्ट आप देंगे, उसके बाद आपका जो है इसमें सिलेबस भी बताया जा रहा है। डिप्लोमा प्रोग्राम में आपका ब्रांच मैथ होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन लेवल जीके इंग्लिश होना चाहिए, ऑल क्वेश्चन मल्टीपल रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए रिटेन टेस्ट आप जब पास कर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ेगा। इंटरव्यू में आप जब सेलेक्ट होंगे तभी आपको जो है यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर शर्त वगैरह जो एग्ज़ाम है वो बताया गया है। अब देखिए हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है वो जान लीजिए। एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रिंट मेल एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर फिलिंग अप सेंड विया ईमेल गिवन एड्रेस। तो देखिए यहाँ पे 2 ईमेल आईडी दिया हुआ है आपको, फॉर्म मैं दिखा देता हूँ, फॉर्म को डाउनलोड करना है और भरना है,
और आपको सारा डॉक्यूमेंट लगाकर अटैच करना है और आपको इस ईमेल आईडी पर सेंड करना है ऑनलाइन के माध्यम से ashwini.verma@tatasteel और shekhar.singh@tatasteel.com इस वेबसाइट में इस ईमेल आईडी में आपको सेंड करना है। तो ये इसका नियम है फॉर्म भरने का। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी जो है इसमें अटैच कर देना है, दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो को भी अटैच कर देना है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर, इसमें आप कॉल कर सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन का जो अंतिम तारीख है वो 23/12/2021 है, 23 दिसंबर 2021 तक आपको आवेदन करना है। उसके बाद आपका आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप लेट से करते 24 को करेंगे तो आपका ईमेल जो भेजेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने इसका फॉर्म निकल कर आ चुका है। देखिए ये फॉर्म का फॉर्मेट है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, इस तरह से आपको इसको प्रिंट ले लेना है और सारा आपको इसमें डिटेल भर देना है, सिग्नेचर कर लेना है, फ़ोटो वगैरह लगा देना है। इस तरह से जो है इसका नियम बनाया गया। और फॉर्म भरने के बाद आपको सारा अपना डॉक्यूमेंट का जेरोक्स करके उसमें साइन कर देना है, अटेस्टेड कर देना है और फिर उसको स्कैन करके जो दिए गए ईमेल है उसमें आपको सेंड कर देना है। तो फाइनली आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कर दे। यदि आप डिप्लोमा नहीं कर रखे, 10वीं पास है, तो आप दूसरे लोगों को शेयर कर दीजिए, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और काफ़ी अच्छा जॉब रहता है इसमें, बहुत ही अच्छा इसमें सुविधा मिलता है, सरकारी सुविधा जैसा इसमें जो है सारा सुविधा टाटा कंपनी देती है। तो इस जॉब को जरूर से अप्लाई करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। आज के लिए ज़्यादा चाहूँगा, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, नमस्कार।